Dear viewers, my Facebook and YouTube channel were created on your special request in 2020 amid of COVID-19 pandemic. You are requested to like, comment, share and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Dr. Zafir and you are watching my YouTube and Facebook channel. कुछ पेरेंट्स की फरमाइश थी कि बेड वेटिंग नॉक्टर्नल यूनुरेसिस या गैर इरादी तौर पर जो बच्चों को सोते हुए पेशाब आ जाता है उसके ऊपर उर्दू में मैं कोई वीलॉग करूं, तो मेरी ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो चले, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू में आपको ये बच्चों के गैर इरादी तौर पर बिस्तर पर पेशाब होने के बारे में ज़रा तफसीली गुफ्तगू कर लूँ। नाज़रीन, ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों के बिस्तर पर पेशाब होने पर काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, अपना टेम्पर लूज करते हैं और साथ साथ उनको फिज़िकल पनिशमेंट भी देते हैं और एक अजब सा रात में मिडनाइट में जो है ना एक माहौल हो जाता है कि बच्चा बेचारा पेशाब कर दिया है, जो गो कि वो गैर इरादी तौर पर किया और बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो पेशाब कर रहा है। तो अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर मदर, और उसको जो है उसकी ठुगाई उगाई भी करना शुरू कर देते हैं उसी रात में, और बच्चा बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, हक्का बक्का रहता है कि उसको क्या करना है। लेकिन ये बिल्कुल गैर इरादी तौर पर होता है, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। नॉक्टर्नल यूनुरेसिस यानी गैर इरादी तौर पर जो बच्चों को बिस्तर पर पेशाब आ जाता है सोते हुए में, वो 5 साल से ऊपर के बच्चों में जो है वो ये पाया जाता है। और इसका डेफिनेशन ये है कि 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको अगर इस तरह से पेशाब आ जाता हो तो उसको हम गैर इरादी तौर पर पेशाब आने का कहते हैं। ये ज़्यादातर स्कूल एज चिल्ड्रन में होता है, जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनके साथ ही होता है, और ये ज़्यादातर लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है और लड़कियों में कंपेरेटिवली कम होता है। इसलिए कि लड़कियों में ब्लैडर कंट्रोल लड़कों से बेहतर होता है इस एज में। इसके बारे में मैं बताऊं कि ये दो तरह की कंडीशन होती है। एक तो ये कि हम प्राइमरी कहते हैं, जिसमें कि बच्चा कभी भी ड्राई नहीं हुआ, और दूसरा होता है कि कुछ महीनों या साल ड्राई होकर के उसके बाद फिर जो है वो वेट होना शुरू हो जाता है, यानी पेशाब करना शुरू कर देता है बिस्तर पर। तो आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं और ये रीअश्योर करूं कि सिर्फ ये आपका ही बच्चा नहीं है जो बिस्तर पर पेशाब कर रहा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के बिहेवियर में मुबतला हैं। स्टैटिस्टिक ये शो करता है कि 5 साल की उम्र में 15% बच्चे जो है वो गैर इरादी तौर पर बिस्तर पर सोते हुए में पेशाब कर देते हैं, और 10 साल की उम्र के बच्चे जो है तकरीबन 5% बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, और 15 साल के बच्चे जो है 1-2% होते हैं जो गैर इरादी तौर पर बिस्तर पर पेशाब हो जाते हैं। तो ये टीनेज ग्रुप में ये आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में मैंने बताया आपको कि ये उसमें बच्चा कभी ड्राई हुआ ही नहीं है, यानी वो शुरू से जो है जिस वक्त वो इन्फेंसी में था और टोडलर हुआ फिर वो, लेकिन वो ड्राई नहीं हुआ, और इसी तरह 5 साल के बाद भी जो है वो गैर इरादी तौर पर बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तो उसको हम प्राइमरी नॉक्टर्नल यूनुरेसिस कहते हैं। नॉक्टर्नल के मतलब कि रात में सोते हुए में हो जाता है स्लीप में। दूसरा है सेकेंडरी यूनुरेसिस, यानी इसके पीछे कोई ना कोई असबाब होते हैं, और ये बच्चों में और टीनेज बच्चों में भी ये चीज़ होती है। जो सेकेंडरी यूनुरेसिस है, जिसके कुछ असबाब हैं, अंडरलाइंग कॉज होते हैं, उसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब या मसाने में अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से
बेड वेटिंग हो जाती है, या तो फिर उनका कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, कोई आसाबी दबाव में हो, या फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज उनको हुआ हो, या स्कूल में कोई बुलिंग हो, तो ये सब कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो उनको बिस्तर पर पेशाब आ जाता है। और ये सब गैर इरादी तौर पर होता है, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो किस तरह से पेशाब हो गया। इन जर्नल अगर आप ये लें कि इसके जो असबाब हैं वो बहुत सारे, सेकेंडरी एन्यूरिसिस के जो असबाब हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि बच्चा अगर एनजाइटी में है, फिक्रमंद है, स्ट्रेस में है, या फिर वो बच्चे को जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एक तरह से ऑटिस्टिक ऑटिज्म उसमें है, या हाइपर एक्टिव बच्चा है, कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी एक कॉज है बिस्तर पर सोते हुए में पेशाब हो जाने का, और यार ब्लैडर में डिलेड डेवलपमेंट अगर उनका है तो उसकी वजह, वो भी एक वजह होती है, और जैसा कि मैंने बताया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जिन बच्चों में डायबिटीज़ शुरू होती है वो बच्चे स्टार्ट में यही होता है कि वो बिस्तर पर पेशाब करना शुरू करते हैं, तो इस तरह की चीज़ है। दूसरी ये कि वो बच्चे जो रात में उनकी नींद सही नहीं होती है और उनको एडिनोइड्स है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो रात में सो नहीं पाते हैं, बस टॉस कर रहे हैं, करवट ले रहे हैं और हैंगओवर रहता है, तो उन बच्चों में भी ये सेकेंडरी एन्यूरिसिस होते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी एन्यूरिसिस है बच्चों में वो इमोशनल स्ट्रेस का काफ़ी इसमें दखल है, खासकर घर में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, बाप माँ का झगड़ा वो देखता हो और घर के अंदर स्ट्रेस का माहौल हो, तो ये भी उनके इस बिहेवियर पर अफेक्ट होता है, या फिर स्कूल में उसको बुलिंग हो रही हो, या किसी किस्म का उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, या कोई नए घर में आप मूव कर रहे हो, नए स्कूल में दाखिला बच्चों का हुआ है, या खुदा ना खास्ता उसके किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो, या सेक्सुअल अब्यूज़ हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं बच्चों में बेड वेटिंग की। बेड वेटिंग जो है इससे इनहेरिटेड भी ये होता है, और जो बेड वेटिंग जीन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है फैमिलीज में। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन यानी आधे से ज़्यादा बच्चे जो है जिनके पेरेंट्स, जिनके एक पेरेंट्स को ने ये एक्सपीरियंस किया हो बचपन में उनकी बेड वेटिंग होती हो, तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है ये अफेक्टेड होते हैं। और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 75% बच्चे जो है वो जो बेड वेटिंग करते हैं उसमें 75% जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो है अपने बचपन में उनकी इस तरह के बिहेवियर हुई हो, इस तरह के एपिसोड हुए हुए हैं, बेड वेटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के साथ इनका कोरिलेशन बहुत है। तो जब भी बच्चा आपका बिस्तर पर पेशाब कर रहा हो और बेड वेटिंग हो रही हो, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, तो उसको मार धाड़ की ज़रूरत नहीं है, और वो कहते हैं ना कि अपने भी गरिमा में झाँक कर देखें, हो सकता है कि फादर जो है वो मुस्कुरा रहे हों जब बच्चे की पिटाई हो रही हो पेशाब करने पर, तो फादर मुस्कुरा रहे हों कि यार बचपन में तो मैं भी ये हरकत करता था। तो बहरहाल यूजुअली इन बच्चों में जो गैर इरादी तौर पर पेशाब कर देते हैं उनको वो हेवी स्लीपर्स भी कहते हैं, यानी वो बहुत ही जो है गहरी नींद सोते हैं। उनकी माएँ अक्सर बताती हैं कि बच्चा इतना बेखबर सोता है कि उसको फिक्र ही नहीं होती, उसको वो पेशाब की हाजत भी होती है तो वो नहीं जा पाता और बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है। जो बच्चे अक्सर व बेशतर बिस्तर पर पेशाब कर लेते हैं और नाइट में उनकी बेड वेटिंग हो जाती है, उस तरह के बच्चे इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, और इसलिए कि फैमिली मेंबर्स भी उनको टीज करते रहते हैं, उनके जो छोटे बड़े भाई हैं वो भी उनको टीज करते हैं, या अपने स्कूल के फ्रेंड्स भी टीज करते हैं, तो इस तरह से उसको इमोशनली वो बच्चों पर बड़ा अफेक्ट होता है। और दूसरी ये कि सोशली भी वो बच्चा जो है अपने आप को फिर
अलहदा करना शुरू करता है, इसलिए ये बच्चा इमोशनली तौर पर अपसेट रहता है। और किसी स्कूल एक्टिविटीज़ या स्लीप ओवर प्रोग्राम कहीं हो तो इस तरह के इसमें उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है, कहीं माँ बाप को भी शर्मिंदगी होती है कि कहीं स्लीप ओवर अपने कजिन्स के आए या कहीं और वो जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी अगर बेड वेटिंग होगी तो बड़े एम्बेरसिंग सिचुएशन है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि 20-30% जो बच्चों में ये कैफियत पाई जाती है वो बच्चे यूजुअली जो है वो ADHD यानी ऑटिज़म का भी शिकार होते हैं। यानी ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उसमें 20-30% बेड वेटिंग की कैफियत पाई जाती है। अगर आपका बच्चा खुदा खास्ता कोई ऑटिस्टिक है तो ये ध्यान में रखें, जहन में रखें कि इस बच्चे में नॉक्टर्नल न्यूरोसिस के होने के चांसेस 20-30% है। इसलिए आपको जो है वो मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। तो आए नाजरीन, पेरेंट्स अब ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं कि वो कम से कम बेड वेटिंग हो या इम्प्रूव कर जाए। इसके लिए कुछ आपको स्ट्रेटजीज बनानी होगी। मिसाल के तौर पर नंबर वन, फ्लूड इनटेक जो है सोने से 2 घंटे पहले आप बंद कर दें। नंबर टू, कि बच्चा सोने से पहले ये श्योर कर लें कि वो जाए वॉशरूम और वॉशरूम जा करके पी करके फिर आ करके वो सोए। नंबर थ्री, किसी किस्म की कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय या कोका कोला या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इस तरह की चीज़ को अवॉइड करें। चौथी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं एम्फसाइज करता हूँ पेरेंट्स को, कि आप उसको पनिशमेंट बिल्कुल ना दें, कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं, कोई स्मैकिंग नहीं करें, कोई उसको मारे कूटे नहीं है। ठीक है, पेशाब अगर उसको हो गया है वो खुद शेमफुल है, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि पेशाब किस तरह से हो गया है, लेकिन माएँ समझती हैं कि वो जो है जानबूझकर पेशाब कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गैर इरादी तौर पर ये हो जाता है। और एक सर्टेन एज के बाद जो है ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर आपके लिए काफ़ी तकलीफ दे, परेशान कन है, तो आप फिर जो है अपने हेल्थ प्रोफेशनल से रुजू करें, कॉन्टेक्ट करें, जो कि शायद वो कोई मेडिसिन दे दें। इस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आप ये कर सकते हैं कि बेड वेटिंग अलार्म आता है वो आप लगा दें, ताकि एक ड्रॉप भी अगर यूरिन बेड पर गिरा तो वो फिर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं और जा कर के पेशाब करते हैं। तो ये एक बिहेवियर थेरेपी है। दूसरी ये है कि मैं जिस चीज़ को एम्फसाइज करता हूँ, इनिशियली जब किसी बच्चे की रिपोर्ट होती है कि ये जो है बेड वेटिंग कर रहा है और 5 साल से ज़्यादा की उम्र में है और जस्ट स्कूल गोइंग है, तो उसके लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि स्टार चार्ट का, जो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ कि स्टार चार्ट में आप किस तरह से ड्राई नाइट्स के लिए आप रिवॉर्ड देंगे। पेरेंट्स, ये बेड वेटिंग चार्ट है, आप इस तरह का एक चार्ट बना लें पूरा 1 महीने का कैलेंडर, और उसमें ड्राई वेट का कॉलम रखें, और हर ड्राई एपिसोड के लिए जो है वो बच्चे को ख़ुद कहें कि सुबह उठ करके एक स्टार स्टिक कर ले, और हर ड्राई नाइट के लिए एक छोटा सा आप गिफ्ट रखें और उसको वो दिया करें। इस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। दूसरे ये है कि बच्चों को चॉकलेट, कोका, टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब को अवॉइड करें, इसलिए कि इसमें जो है वो डायरेटिक इफेक्ट होता है। और आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा कि जब आप चाय पी लेते हैं ज़्यादा, या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोका और ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपको जो है पेशाब की हाजत ज़्यादा होती है। तो इसको बच्चों को अवॉइड करें। वो ग़ज़ा जो वो फूड्स जो जिसमें हाई फॉलेट है, फाइबर है, विटामिन B12 है एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये रिकमेंड किया जाता है बेड वेटिंग बच्चों के लिए कि इनको इस्तेमाल करें।
बॉटम लाइन यह है कि कोई मेडिसिन भी इतनी इफेक्टिव नहीं है कि बच्चों को जो है वो फौरी तौर पर इससे रिलीफ हो जाए और वो उससे आराम आ जाए और वो बेड वेटिंग ना करे। अगर टेम्पोरेरी तौर पर हुआ, जब आप मेडिसिन बंद करेंगे तो वो फिर रिलैप्स हो जाता है दोबारा। सो नाज़रीन और पेरेंट्स वालदैन, आपके लिए होम मैसेज ये है कि नॉक्टर्नल इनुरेसिस यानी गैर इरादी तौर पर सोते हुए में पेशाब हो जाना, ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में। लड़कों में ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत लड़कियों के। ये बिल्कुल इनवॉलेंट्री एक्ट है, इसमें बच्चे का कोई कसर नहीं है, बच्चे को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो पेशाब कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आप फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दें, वरना वो फिर जो है उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा और वो फिर अपने आप को जो है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में वो चला जाएगा, इमोशनली जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी ये कि आप इनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को और बिहेवियर को जो है आप ऑब्जर्व करते हैं। स्कूल परफॉर्मेंस आप देखेंगे, कोई स्कूल में बुलिंग तो नहीं हो रही है, बच्चा आपका किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, बच्चे के साथ फ्रेंकली कम्युनिकेशन रखें ताकि वो आपको हर चीज़ जो है स्कूल का भी बताएं। बाल बच्चे जो स्कूल में बहुत ही बुलिंग होते हैं और सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनमें बेड वेटिंग कॉमन है। अगर बच्चा कई महीने या साल तक ड्राई रहा, उसके बाद फिर बेड वेटिंग शुरू हो गया है, तो ज़रूरी है कि आप किसी पेडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट करें और ताकि वो इवैल्यूएट करे और देखे कि इसके अंडरलाइन कोई कॉज तो नहीं है। मदर को मैं एडवाइस करता हूँ, आप परेशान जल्दी हो जाती हैं, तो आप ऐसा करें कि बच्चे का जो वो मैट्रेस है, एक वाटरप्रूफ मैट्रेस आता है, कवर आता है, प्रोटेक्टर्स, वो डाल दिया करें ताकि आपका मैट्रेस ख़राब ना हो। शाम के वक्त फ्लूड और किसी किस्म का ड्रिंक्स वो अवॉइड करें। 6 मंथ तक कम अज़ कम स्टार चार्ट जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा, वो स्टार चार्ट को आप फॉलो करें, और जब वो ड्राई हो तो उसको रिवॉर्ड आप दें। और जब भी बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे तो उसको एक होमवर्क दें, उसको जब उठाएं आप तो आराम से उसको कहेंगे तुम अपनी ये बेडशीट उठाओ, बेडशीट उठाकर जाकर लॉन्ड्री में तुम अपना डालो, फिर जाओ वॉशरूम जाओ, जा करके क्लीन अप हो करके उसके बाद फिर। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत ही डिस्परेट सिचुएशन में इस्तेमाल हो जाता है, और वो उसके लिए ये है कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिन के लिए बंद हो जाए, जब मेडिसिन आप स्टॉप करें तो वो फिर जो है वापस फिर वो शुरू हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे अपनी एज के साथ साथ जैसे ग्रो करते हैं आप देखेंगे वन फाइन मॉर्निंग उसने बेड वेटिंग बंद कर दिया। तो लिहाजा आप परेशान ना हो, फिज़िकल एब्यूज़ नहीं करें उसको, और बड़े आराम से और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रख कर आप करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आ जाए तो आप फिर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच और स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching my informative vlog on Facebook and YouTube channel. If you like this video, please subscribe and share.